जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये यह जानने के लिए है कि क्या आपके घर में है किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास, क्या आपके घर में कोई नेगेटिव एंटिटी है, ये आज हम जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा तभी आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगे, आपको पता चल पाएगा कि लाइव टैरो कार्ड रीडिंग हो रही है और आप अपने प्रश्न पूछ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग से। यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है द चाइल्ड कार्ड, दूसरा ऑप्शन है द कॉफिन कार्ड, और तीसरा ऑप्शन है मून कार्ड। मतलब इसमें एक बच्चा है, चाइल्ड है। अगले कार्ड में आप देखें तो कॉफिन है, जैसे किसी की कब्र होती है वो है, और तीसरा आप देखें तो एक मून है। तो इन तीनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप सिलेक्ट करें। और ये रीडिंग यह जानने के लिए है कि क्या आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, ये हम जानेंगे। तो आप किसी भी एक कार्ड को सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो हम एक एक करके सबके लिए कार्ड्स निकालेंगे। यहाँ पे हम एक कार्ड रखेंगे, एक कार्ड हम द कॉफिन कार्ड के लिए है और एक होगा द मून के लिए। तो यहाँ पे हमने तीन कार्ड्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके अलावा हम एक और डेक यूज करेंगे। और अब हम यहाँ पर एक डेक और यूज करेंगे। वन कार्ड एंड वन कार्ड। ऑलराइट, तो ये आज की रीडिंग के कार्ड्स हैं जो हमने निकाले हैं। हमारा सवाल है यही जानना कि क्या आपके घर में है किसी नकारात्मक ऊर्जा का वास। अब जिन्होंने सिलेक्ट किया था ऑप्शन नंबर वन, यानी कि जिन्होंने ये चाइल्ड सिलेक्ट किया था, आप देख सकते हैं। तो हम पहले जानेंगे उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपके घर में है कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास जिन्होंने सिलेक्ट किया है चाइल्ड कार्ड। तो यहाँ पर एक पर्सन दिख रहा है, फोर ऑफ पेंटिकल्स है, और एक नेगेटिव एंटिटी दिख रही है बहुत क्लियरली। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप किसी नेगेटिव एंटिटी को फीड कर रहे हैं, या आपके घर में कोई पर्सन फीड कर रहा है नेगेटिव एंटिटी को। द एम्प्रेस कार्ड आया है यहाँ पर। हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट हो इस टाइम पे, आपके परिवार में कोई पर्सन प्रेग्नेंट हो सकता है, या ऐसा लग रहा है कि किसी को प्रेगनेंसी है। लेकिन यहाँ पर चांसेस हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी का जो टाइम है उसमें ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है। एक फाइनल कार्ड है, उसे देख लेते हैं। यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स आया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा बेबी है, पेट है, और यहाँ पे बच्चा है, और ये दोनों यहाँ पर मैच्योर दिख रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखें तो एक मदर है और ये चाइल्ड है उनका, ये प्रेगनेंसी है। फिर से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक चाइल्ड है। तो यहाँ लगातार बच्चे का कनेक्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा है, यहाँ पर एक टॉय पड़ा हुआ है। तो ये जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है ये किसी बच्चे की एनर्जी लग रही है। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी एनर्जी है जो चाइल्डहुड में ही जिसकी डेथ हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी चाइल्डहुड दिख रहा है, यहाँ भी प्रेगनेंसी दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी से भी कनेक्टेड है, या जो एंटिटी है वो एक बच्चे की एनर्जी है आपके घर में। तो आपके घर में ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि किसी बच्चे की एक एनर्जी मौजूद है आपके घर के अंदर, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया था द चाइल्ड कार्ड। वाकई में आपके घर में कोई चाइल्ड है, कोई छोटा बच्चा है, उसकी एनर्जी यहाँ पर है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे फीमेल जो है, यहाँ प्रेगनेंसी दिख रही है, ये भी बच्चे से कनेक्टेड है।
और यहाँ भी चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है, ये सब बताते हैं कि घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो एक बच्चे की एनर्जी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पर्सन जो है फीड कर रहा है इस एंटिटी को, तो हो सकता है कि उस बच्चे की जो एनर्जी है उसने आपके घर के ही किसी सदस्य को की बॉडी को पोजेस कर रखा हो। बहुत स्ट्रांग यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कि आप इनको खाना खिला रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप एक नेगेटिव एंटिटी को खाना खिला रहे हो। तो यहाँ पर जो भी ये स्पिरिट है, जो भी ये एनर्जी है, नेगेटिव एंटिटी है, प्रेत आत्मा है, ये किसी बच्चे की एनर्जी में है। और ये हो सकता है अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उन पर कोई नेगेटिव एंटिटी उनकी बॉडी को पोजेस कर चुकी है, घर के किसी सदस्य को पोजेस कर चुकी है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उनकी बॉडी में ये जो है ये बच्चे की जो स्पिरिट है ये हो सकता है उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई हो। और बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि उनके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उसका साया है। तो अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो आप ध्यान रखें, और अगर ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा उन्हें सपने में दिखती है तो तुरंत इसका कुछ ना कुछ समाधान करें, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि घर में एक बच्चे के रूप में एक नकारात्मक ऊर्जा है। और ये अगर घर में कोई प्रेगनेंसी है किसी को, तो हो सकता है कि उसके आसपास ये एनर्जी बहुत ज़्यादा घूमती हो, तो आपको प्रोटेक्शन लेनी होगी, माता की प्रोटेक्शन लेनी होगी, वरना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे चल के। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था सेकेंड ऑप्शन और ये कॉफिन जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके लिए देखते हैं क्या आपके घर में भी है कोई नकारात्मक ऊर्जा। देखिए यहाँ पर डेविल कार्ड आया है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, डेविल कार्ड है, और साथ में एट ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है मैं कहूँगी, आप देख सकते हैं। तो कोई ना कोई प्रेतात्मा है, कोई भूत है, कुछ जिन जन्नात भी हो सकता है, पर कोई ना कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी आपके घर में मौजूद है, कोई पर्सन जो जिसकी डेथ हुई थी, और ये रिसेंटली भी हो सकता है। लेकिन इस घर में अगर किसी की डेथ हुई है तो उसकी स्पिरिट यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको लगता है कि आपका घर सामान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग वेपन्स के साथ है, यहाँ पर हो सकता है एक से ज़्यादा स्पिरिट आपके घर में हो। यहाँ पर हमें सिक्स ऑफ बॉन्ड्स आया है जिसमें एक लेडी दिख रही है, और ये जैसे बहुत सारे लोगों से यहाँ पे इंटरेक्ट कर रही है, बात कर रही है। तो ऐसा लगता है कि आपके घर के किसी सदस्य को ये एनर्जीज जो हैं लगातार कांटेक्ट कर रही हैं आपके घर के किसी सदस्य से। यहाँ पर देखिए एक एनर्जी नहीं है, मैंने आपसे कहा बहुत सारी एनर्जीज। आप देखिए यहाँ पे जो फीमेल है ये कुछ बोल रही है, बात कर रही है, और यहाँ सामने कितने सारे लोग हैं, ये लोग नहीं है, ये सब नेगेटिव एनर्जीज है। क्योंकि जो ये रीडिंग है ये नकारात्मक ऊर्जा के बारे में जानने के लिए है, और हमें यहाँ डेविल कार्ड पहले ही दिख गया है। तो यहाँ पर जो भी ये फीमेल है ये इन नेगेटिव एनर्जीज से कनेक्ट कर रही है। क्या ये जो फीमेल है ये खुद एक नेगेटिव एनर्जी है, या आपके घर में कोई पर्सन पॉजेस हो चुका है और ये जो भी एनर्जीज हैं ये आपके घर के उस सदस्य को लगातार कांटेक्ट कर रही हैं और उस पर कंट्रोल कर चुकी हैं, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। लेकिन आपके घर का जो भी सदस्य है, देखिए आप इसका फेस नहीं दिख रहा है, और ये हो सकता है इसे ना पता हो कि ये सारी एनर्जीज जो हैं वो इस पर नज़र रख रही हैं। लेकिन आपके घर का कोई सदस्य है जिस पर ये नकारात्मक ऊर्जा लगातार नज़र रख रही है, तो आपको भी यहाँ पर अलर्ट होना होगा। अब जिन्होंने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया है द मून, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जस्टिस का कार्ड आया है जिसमें एक बहुत ही ह्यूज पर्सन है, ये डेफिनेटली कोई नेगेटिव एंटिटी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके एक हाथ में रोज़ है और एक सिकल भी है, और यहाँ पर एक पैर है, कटा हुआ पैर आप देख सकते हैं। तो ये जो भी नेगेटिव एंटिटी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपके घर में ये मौजूद है। यहाँ पर द टावर कार्ड है, ये आपके घर को यहाँ पर दिखाता है, और ये नेगेटिव एंटिटी का वास यहाँ पर हो गया है, इसीलिए आपका घर जो है वो एक हॉन्टेड सी जगह दिख लग रही है। अब ये नेगेटिव एनर्जी कैसे आपके घर तक पहुँची है, इसका मेन रीज़न है कि हो सकता है आपके घर के किसी सदस्य को पानी में कुछ मिला करके दे दिया गया हो, जिससे ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के उस सदस्य के अंदर प्रवेश कर चुकी है। क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और ये अपना कंट्रोल ऑलरेडी बना चुकी है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर दिख रही है, द मून कार्ड है, तो इससे ये क्लियर होता है कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक किया गया है, किसी ने हो सकता है आपके घर के किसी सदस्य पर ब्लैक मैजिक किया हो, और ये ह्यूज एंटिटी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी को पोजेस कर चुकी है, और ये
कोई ऐसा नहीं है कि अभी की बात है, ये काफ़ी समय से ये एंटिटी उनकी बॉडी पे कंट्रोल कर चुकी है और उनकी बॉडी के पार्ट्स धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है। यहाँ जो ये वीरान सा घर आप देख रहे हैं, ये इस समय आपके घर में इस तरीके का माहौल बना दिया है इस नेगेटिव एनर्जी ने। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी है आपके घर में और आपको थोड़ा अलर्ट होना होगा यहाँ पर। तो यही है मैसेज आप सबके लिए, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, इन डेप्थ रीडिंग चाहिए, तो आप रीडिंग बुक करा सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, नंबर है 9899000366। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे और लाइव वीडियो में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय श्री राम, जय भारत।